राजगढ़ जिले के छोटे से गांव मुडला लोधा गांव की बेटी रानी तंवर जो एक छोटे से खेती किसानी करने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाली होनहार छात्रा है, जिस पर पढ़ने का ऐसा जुनून है। उसकी पढ़ाई के मध्य कई अड़चनें आईं, पर पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि और उसके बुलंद हौसलों ने उन सभी अड़चनों को रानी के पास फटकने नहीं दिया। रानी लड़की होने के कारण गृह कार्य में दक्षता तो ली ही और समय समय पर पढ़ाई भी करती रही। वही 10वीं 12वीं की पढ़ाई मल्हा आश्रम इंदौर में की। यहाँ से टॉप करने पर शासन ने पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। आज रानी तंवर ने कड़ी मेहनत के बलबूते पर MBBS में चयन हुआ है और उसको शासकीय मेडिकल कॉलेज मिल गया है। रानी की हार्दिक इच्छा है कि वो डॉक्टर बनकर राजगढ़ जिले में ही अपनी सेवाएं देगी। जिस समाज से वो निकली है उस समाज में अभी भी पढ़ाई के प्रति काफ़ी पिछड़ापन है। वही तंवर क्षेत्र के स्कूल भगवान के भरोसे ही हैं। यहाँ पूरे समय स्कूल नहीं खुलते और अनेक स्कूलों में मास्टर जी कम ही पहुँच पाते हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मतलब हमारी सोच शुरू से इनको पढ़ाने में ही थी, क्योंकि गांव से अभी तक इस गांव से कोई कर्मचारी नहीं है। अच्छा, हमारी एक सोच ये स्थिति है कि कुछ इस गांव से पढ़ लिख के कोई जाए हमारे घर परिवार से, बेटी या बेटा, और अच्छा नाम करे हमारा और समाज का और गांव का। अच्छा, हमारी यही सोच थी। तो उसने बच्चे ने मेहनत करके उनका खुद का नाम किया और हमारा भी किया। इस तो इनने पहले साल में नीट की परीक्षा निकाल ली। शुरू से इंदौर पढ़ी कि गांव में? नहीं, शुरू से गांव में पढ़ी। अच्छा, शिशु मंदिर में पढ़ाया इनको। फिर हमारी स्थिति थोड़ी प्राइवेट जैसी नहीं थी तो इनको सरकारी में पढ़ाया। फिर 9वीं और 10वीं में अच्छा नंबर से पास हुई बेटी। इनको शासन द्वारा कितने परसेंट बने 10वीं में? 94% कुछ पॉइंट। अच्छा, और 12वीं में? 12वीं में कितना बने? 95% बना था 12वीं में। रानी तंवर हमारी परिवार की बेटी है और वो पढ़ने में बहुत होशियार, उसने बहुत लगन से पढ़ाई की है। मैं समझता हूँ कि मेरे जो समाज है, जो भौगोलिक स्थिति से और इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही पिछड़ा है, उसको देखते हुए रानी तंवर ने जो हमारे समाज का मान बढ़ाया है, जो इस समाज का नाम रोशन करे, आज उसने MBBS में उसका सिलेक्शन हुआ और वो भी बगैर किसी की सिफारिश, बगैर उस पर उसने जो मेहनत की और जो ग्रेड प्राप्त किया उसमें आज उसको शासकीय मेडिकल कॉलेज विदिशा में उसको एडमिशन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन के निकलेगी। मैं माँ जालपा से हम प्रार्थना करूँगा कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन के आए और यहाँ समाज की सेवा करें और समाज का नाम रोशन करे, समाज का मान बढ़ेगा और वो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायी होगी कि इतने पिछड़े समाज में, जिसमें समाज में अत्यंत कई सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ है, उसमें से निकल करके ये समाज को एक नई दशा मिलेगी और समाज में जो हमारी कुरीतियां वो भी दूर होगी, वो एक प्रेरणादायक होगी जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा और बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रेरणादायक होगी। बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आज मेरी भी बेटियां दो वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ रही। पिछले साल 95% 10th क्लास में मेरी बेटी प्रेरणा ने जीत किए थे। हम ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां कहीं पीछे नहीं रहेगी, समाज में हम उसको उचित स्थान दें, दर्जा दें, ताकि सम्मान करें और बेटियां आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हमारी जो कुरीतियों के कारण बेटियों को जो झोंक देते हैं उससे हमें निजात मिलेगी और लोगों के मन में एक नई सोच पैदा होगी, नए आयाम पे जाएगी, समाज में एक सोच में परिवर्तन होगा, ये हम सबके लिए प्रेरणादायक होगी। रानी बिटिया को मैं बहुत बहुत